हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं रिव्यू करने वाला हूं फाइनली क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म टेनेट को, जिसे अब ऑफिशियली हमारे इंडियन थिएटर्स में रिलीज कर दिया गया है। और इस फिल्म को थिएटर में देखकर मेरा एक्सपीरियंस कैसा था, मैं वही सारी की सारी डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा, वो भी बिल्कुल स्पॉइलर फ्री। और हाँ, ये भी कि क्या आपको फिल्म थिएटर में देखने जाना चाहिए या नहीं, वो भी खास करके ऐसी पेंडेमिक की सिचुएशन में। तो चलिए पहले बात करते हैं फिल्म की कहानी की छोटी सी डिटेल्स के बारे में, जिसमें कहानी का पूरा फोकस जॉन डेविड वॉशिंगटन के कैरेक्टर दीप प्रोटैगनिस्ट पर किया गया है। जी हाँ, फिल्म में उनके कैरेक्टर का कोई भी नाम नहीं है, इसलिए उन्हें फिल्म में सिर्फ और सिर्फ प्रोटैगनिस्ट नाम से ही बुलाया जाता है, जो कि एक सीक्रेट एजेंट है। और उन्हें मिशन दिया गया है वर्ल्ड वॉर 3 जैसे आने वाली मुसीबत को खत्म करने का। तो बेसिकली ये एक स्पाई थ्रिलर फिल्म है, जिसमें आपको एक इन्वर्जन टाइम ट्रेवलिंग का कॉन्सेप्ट देखने मिलता है, जो बहुत ही ज्यादा यूनिक और काफी ज्यादा ओरिजिनल है, खास करके एक ऐसे टाइम पीरियड में जहाँ पर ओरिजिनल कंटेंट की कमी बहुत नहीं बल्कि काफी ज्यादा है। और क्रिस्टोफर नोलन ही एक ऐसे डायरेक्टर है जो अपने ओरिजिनल कंटेंट पर बहुत नहीं बल्कि काफी ज्यादा ध्यान देते हैं, और ये भी कि उनकी हर एक फिल्म देखकर ऑडियंस बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज रहे। तो क्या टेनेट फिल्म क्रिस्टोफर नोलन की उन्हीं सभी फिल्मों में शामिल होती भी है या नहीं, और क्या ये फिल्म क्रिस्टोफर नोलन का अब तक का सबसे बेस्ट वर्क है, तो चलिए अब उन्हीं सभी की सभी डिटेल्स पर बात करते हैं, और ये भी कि क्या आपको टेनेट फिल्म थिएटर में जाकर देखनी भी चाहिए या नहीं। लेकिन अब आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। महसूस करो पे क्या हुआ? हुआ नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, तो इस फिल्म को लेकर जो आपके डाउट्स है, सबसे पहले मैं उसको क्लियर कर देता हूँ कि इस फिल्म को हमारे इंडिया में इंग्लिश लैंग्वेज के साथ साथ बाकी दूसरी अदर लैंग्वेजेस में रिलीज किया गया है, जैसे कि हिंदी में। और हाँ, फिल्म की हिंदी डबिंग अच्छी है। और इसके अलावा इस फिल्म को आप क्रिस्टोफर नोलन की डायरेक्ट की गई हर एक फिल्म की तरह फैमिली के साथ बैठकर एंजॉय कर सकते हो, जिसकी लेंथ ऑलमोस्ट 2.5 घंटे की है। और आते हैं उस क्वेश्चन पर कि क्या आपको ये फिल्म थिएटर में जाकर देखनी भी चाहिए या नहीं। वेल, आई मस्ट से कि अगर आपको थिएटर का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस लेना है, और ये पता लगाना है कि मैं हर बार आपसे ये क्यों कहता हूँ कि फिल्मों का एक्सपीरियंस आपको थिएटर में लेना चाहिए, तो क्रिस्टोफर नोलन की डायरेक्ट की गई ये टेनेट फिल्म उसका बिल्कुल परफेक्ट एग्जांपल है। ये फिल्म विजुअली एक फीट है, जिसका एक्सपीरियंस आपको थिएटर में ही जाकर करना चाहिए। और अगर आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं है, तो पहले आप जाकर इस फिल्म को थिएटर में एक्सपीरियंस कीजिए, उसके बाद आकर घर पर इस फिल्म का घर का एक्सपीरियंस भी ले लीजिएगा। दोनों में क्या फर्क रहेगा, ये बात आप मुझे कमेंट कर बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि आप फिल्मों को किस हिसाब से थिएटर में देखते हो और आपका थिएटर एक्सपीरियंस फिल्मों को लेकर कैसा रहता है। और रही बात क्रिस्टोफर नोलन के फैंस की, डेफिनेटली ये फिल्म आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस बार क्रिस्टोफर नोलन ने अपनी इस फिल्म को लेकर बहुत नहीं बल्कि हिसाब से ज्यादा ही एक्सपेरिमेंट कर डाले हैं, खास करके उनके टाइम ट्रेवलिंग के इस अजब से इन्वर्जन को लेकर, जिसका एक्सपीरियंस माइंड ब्लोइंग था। और ऐसी चीज मुझे नहीं लगता है कि आपने आज तक बाकी दूसरी किसी भी फिल्मों में देखा होगा, खास करके फिल्म के कोरियोग्राफ किए गए एक्शन, जिन्हें अगर क्रिस्टोफर नोलन की बाकी दूसरी फिल्मों से कंपेयर किया जाए, तो इस बार क्रिस्टोफर नोलन ने अपनी फिल्मों के एक्शन पर बहुत ही ज्यादा ध्यान दे दिया है। और हाँ, कोरियोग्राफी की बात करें तो उसके लिए तो हेड्स ऑफ तो बनता ही है, लेकिन ज्यादातर तो तारीफ फिल्म के डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन ही ले जाएंगे। रीजन है उनका फिल्म को डायरेक्ट करना, जिसके आइडियाज को उन्होंने पता नहीं किस तरीके से स्क्रिप्ट में लिखा होगा और बाद में किस तरीके से डायरेक्ट। जी हाँ, ये फिल्म भी किसी चैलेंजिंग से कम नहीं है, अगर कोई डायरेक्टर इस टाइप की फिल्म को डायरेक्ट करता है तो। लेकिन हर एक फिल्म परफेक्ट नहीं होती, और टेनेट फिल्म भी उन्हीं फिल्मों में से एक है, जिसकी अगर खामियों की बात करें तो वो भी क्रिस्टोफर नोलन की इस फिल्म में है। और इसमें सबसे पहली पोजीशन पर आएगी फिल्म की साउंड डिजाइनिंग, जो आपको बहुत ही अच्छा खासा थ्रिल तो देती ही है, लेकिन डायलॉग्स के मामले में वो साउंड इफेक्ट्स हिसाब से काफी ज्यादा है। यानी कि कुछ डायलॉग्स आपको फिल्म के एक बार देखने पर समझ नहीं आने वाले कि कौन सा कैरेक्टर फिल्म में अपना कौन सा डायलॉग्स बोल रहा है। और ऐसी फिल्में खास करके डायलॉग्स और सीन्स पर ही टिकी होती है, जिसमें से अगर हमारा जरा सा भी ध्यान उन डायलॉग्स या फिर सीन्स पर से हट गया, तो फिल्म को समझना बहुत ही ज्यादा टफ हो जाता है। और इस बार क्रिस्टोफर नोलन ने अपनी इस फिल्म को बाकी दूसरी फिल्मों के मुकाबले में हिसाब से काफी ज्यादा टफ बनाया है, इतना ज्यादा टफ कि ये फिल्म एंड होने के बाद भी आपके काफी सारे सवालों के जवाब आपके लिए बिल्कुल भी क्लियर तरीके से एक्सप्लेन नहीं करती। और अगर जिन लोगों को क्रिस्टोफर नोलन की इंसेप्शन फिल्म बहुत ही ज्यादा टफ लगती है, तो अब उनके लिए टेनेट फिल्म क्रिस्टोफर नोलन की लिस्ट में सबसे फर्स्ट पोजीशन पर आने वाली फिल्म है, जिसका एक्सपीरियंस थिएटर में लेने के बाद आप अपने सर को खुजाते हुए ही बाहर निकलने वाले हो और फिल्म के बारे में ही सोचते रहोगे कि फिल्म के हिडन मीनिंग क्या थे और किस नोट पर फिल्म को एंड किया गया है। ये चीज बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन मैंने एक बार देखकर इस फिल्म को 70 से 80% तो समझ लिया है, और अब दूसरी बार
बार देखकर मैं इस फिल्म को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करूंगा ताकि मुझे ये फिल्म बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आ जाए। खैर तो मैं बात कर रहा था फिल्म की प्रॉब्लम की, जिससे भटक कर मैंने आपको फिल्म की कुछ और डिटेल्स दे दी, जिसमें फिल्म की कंफ्यूजन भी ऑडियंस के लिए एक बहुत ही बड़ा हेडेक होने वाली है। उसके अलावा जिस तरीके से फिल्म को स्टार्ट किया गया है वो चीज भी काफी लोगों को ठीक नहीं लगने वाली, यानी कि अनसेटलिंग मोमेंट फिल्म के पूरे फर्स्ट हाफ में चलते रहते हैं और आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि फिल्म के फर्स्ट हाफ में चल क्या रहा है, जो काफी लोगों के लिए ठीक नहीं, क्योंकि अगर फिल्म लोगों को समझ नहीं आती तो लोग फिल्म को आधे में ही छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन ये फिल्म अपने फर्स्ट हाफ तक अगर ऐसा करती है तो सेकेंड हाफ में ये फिल्म आपको सारी की सारी चीजें एक्सप्लेन भी करती है, बट पूरी तरीके से नहीं, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि ये फिल्म बहुत ही ज्यादा फास्ट पेस पर चलती है, जिसके फर्स्ट हाफ में कैरेक्टर एक जगह से दूसरी जगह अगले सीन में ही पहुंच जाता है, जिसमें कोई भी ट्रैवलिंग नहीं दिखाई गई। रीजन है फिल्म को काफी ज्यादा फास्ट पेस पर रखना, जो कि ये फिल्म ऑब्वियसली है भी, और फिल्म के एंड के एक्शन सीक्वेंस तो आपका दिमाग खराब कर देते हैं कि एक्चुअल में फिल्म के उस क्लाइमेक्स के एक्शन में चल क्या रहा है। अब क्रिस्टोफर नोलन की ये फास्ट पेस पर बनी फिल्म ऑलमोस्ट 2.5 घंटे की है, जिसे देखने के बाद मैं तो पर्सनली बोर बिल्कुल भी नहीं हुआ। और हाँ, इस फिल्म को लेकर एक डाउट और होगा आपके दिमाग में कि क्या ये फिल्म क्रिस्टोफर नोलन की तरफ से बनाई गई उनकी फिल्मों की लिस्ट में से सबसे बेस्ट फिल्म है। तो जी नहीं, ये फिल्म क्रिस्टोफर नोलन की बनाई गई सबसे बेस्ट फिल्म तो नहीं, लेकिन एक सेफ साइड पर चलती हुई फिल्म है। और इस टाइप की फिल्मों को बनाने के लिए तो बहुत ही ज्यादा गट चाहिए, जो वॉर्नर ब्रदर्स स्टूडियो में है, जिन्होंने क्रिस्टोफर नोलन के नाम पर ही एक अच्छे खासे अमाउंट को खर्च कर दिया इस फिल्म को बनाने में, जिसे हमें स्क्रीन पर देखकर समझ आता भी है कि फिल्म का बजट इतना ज्यादा क्यों है। और अब बात करें सभी एक्टर्स की परफॉर्मेंस की, तो जी हाँ, फिल्म में सभी एक्टर्स की परफॉर्मेंस भी अच्छी है, खास करके फिल्म के लीड डेविड वॉशिंगटन की। इसके अलावा रॉबर्ट पैटिसन और एलिजाबेथ बैकी के भी कैरेक्टर का काम बहुत ज्यादा अच्छा है, जिनमें से अगर किसी कैरेक्टर की सबसे अच्छी तरीके से डेवलपमेंट की गई है तो वो कैरेक्टर एलिजाबेथ का ही है। और बाकी सभी कैरेक्टर्स की परफॉर्मेंस भी, जैसे कि मैंने आपको बताई, फिल्म में काफी ज्यादा अच्छी है। और जिन लोगों को रॉबर्ट पैटिसन के बैटमैन के कैरेक्टर पर अभी भी डाउट है, तो उन्हें इस फिल्म में रॉबर्ट पैटिसन की परफॉर्मेंस भी देखनी चाहिए, जिसे देखकर आपको डेफिनेटली आइडिया तो हो जाएगा कि रॉबर्ट पैटिसन अब किस लेवल के एक्टर बन गए हैं। और उसके अलावा बात करें फिल्म के डायरेक्शन की, तो जी हाँ, फिल्म का डायरेक्शन काफी ज्यादा माइंड ब्लोइंग है, जिसकी मैं जितनी ज्यादा तारीफ करूँ उतना कम है। और वही चीज फिल्म के बीजीएम के साथ भी लागू होती है, लेकिन डायलॉग्स के मामले में बीजीएम हिसाब से काफी ज्यादा है। और उसके अलावा फिल्म की एडिटिंग भी काफी अच्छी की गई है, जिसकी पेस मुझे तो पर्सनली काफी ज्यादा पसंद आई है, जो हो सकता है कि काफी लोगों को ना आए। तो चलिए फिल्म की बाकी डिटेल्स मैं इसकी रेटिंग के टाइम पर डिस्कस कर लेता हूँ, जिनमें अगर मैं बात करूँ फिल्म के एक्शन और थ्रिल की, तो इन दोनों ही कैटेगरी में मेरी रेटिंग रहेगी फिल्म के लिए 5 में से 3.5 स्टार की, जिसमें अगर मैं सबसे पहले एक्शन की बात करूँ तो फिल्म का एक्शन हिसाब से काफी ज्यादा यूनिक है, खास करके इसके इन्वर्जन को यूज कर, जिसे देखकर बस आप यही सोचोगे कि किस तरीके से डायरेक्टर ने इन एक्शन सीक्वेंस को इस फिल्म में कैप्चर किया है, क्योंकि अगर कोई चीज फॉरवर्ड जा रही है तो एक रिवर्स में भी आ रही है। अगर यही चीज किसी दो कैरेक्टर्स के हिसाब से देखी जाए, खास करके किसी फाइटिंग सीक्वेंस में, तो वैसे एक्शन को इमेजिन करना आम इंसानों के लिए तो एक इम्पॉसिबल सी चीज है, जिसे इस फिल्म में लोगों के लिए पूरी तरीके से पॉसिबल कर प्रेजेंट किया गया है। और हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि इस फिल्म में क्रिस्टोफर नोलन ने फाइटिंग सीन्स को लेकर बहुत ही ज्यादा इम्प्रूवमेंट दिखाई है, खास करके उनकी पुरानी बाकी दूसरी फिल्मों को लेकर, इसलिए मेरी नजर में फिल्म के एक्शन बहुत ही ज्यादा यूनिक है। और अब इसके हॉरर और थ्रिल की बात करें, तो इसे 5 में से 3.5 स्टार की रेटिंग मैंने सिर्फ और सिर्फ इसके थ्रिल के एलिमेंट को ही ध्यान में रखकर दिया है, क्योंकि हॉरर इस फिल्म में है नहीं, लेकिन थ्रिल का जो लेवल है उसका एक्सपीरियंस तो आपको थिएटर में ही आने वाला है। इसके अलावा कॉमेडी की बात करें, तो कॉमेडी के लिए मेरी रेटिंग बनती है 5 में से 0.5 स्टार की। और उसके बाद बात करें ड्रामा की, तो कहानी में कुछ भी नया प्रेजेंट नहीं किया गया है, यानी वही पुरानी स्टोरी जिसमें विलन का मकसद दुनिया को तबाह करना है और हीरो का उसे टाइम से पहले रोकना, जिसके हिसाब से ड्रामा की रेटिंग 5 में से सिर्फ 3 स्टार की ही बनती है। और सस्पेंस की बात करें, तो सस्पेंस के लिए तो मेरी रेटिंग 5 में से 4 स्टार की है इस फिल्म को लेकर, जिसके बारे में मैं आपको बिल्कुल सस्पेंस में रखकर ही इस वीडियो को खत्म करूंगा कि क्यों मैंने इस फिल्म के सस्पेंस को 5 में से 4 स्टार की रेटिंग दी है। तो अब सीधे आते हैं मासेस ऑडियंस पर, जिससे बिल्कुल क्लियर है कि ये फिल्म मासेस ऑडियंस के लिए बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए उनकी नजर में इस फिल्म की रेटिंग बनती है सी की। और बात करें क्रिटिक्स की, तो क्रिटिक्स को भी ये फिल्म अच्छी लगी है, जिसके हिसाब से क्रिटिक्स की नजरों में इस फिल्म की रेटिंग बनती है A- की। और बात करें मेरी, तो मैंने पर्सनली इस फिल्म को बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया है, वो भी थिएटर के एक्सपीरियंस को लेकर, जिस हिसाब से मेरी रेटिंग बनती है क्रिस्टोफर नोलन की स्टैंडर्ड फिल्म को लेकर सीधे सीधे ए की। यानी कि ये फिल्म भी 2020 की उन मस्ट वॉच की लिस्ट में शामिल होती है, जिस फिल्म को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए, वरना आप डेफिनेटली पछताओगे कि आपने इतनी अच्छी फिल्म का एक्सपीरियंस थिएटर में जाकर क्यों नहीं लिया। वेल, तो ये था मेरा पर्सनल ओपिनियन क्रिस्टोफर नोलन की रिलीज हुई फिल्म टेनेट को लेकर, कि मुझे पर्सनली ये फिल्म कितनी ज्यादा पसंद आई है और कितनी नहीं। तो अब आपकी क्या राय है क्रिस्टोफर नोलन की टेनेट फिल्म को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आपका इस फिल्म का थिएटर का एक्सपीरियंस कैसा रहा। और इसी के साथ साथ अगर आपको मेरी ये मेहनत जरा सी भी पसंद आई है, तो मेरे इस वीडियो को तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इस टाइप के कंटेंट को अपने चैनल पर कंटिन्यू रखने की।
होगी। तो चलिए अब खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूं अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे होगा ये कि मैं अपने चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अब मैं मिलता हूं जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए तो आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को एंजॉय कीजिए और टिल देन बाय।